कांदलियावाला थाना घर की हदूद में एक अनजानी पुलिस चौकी के करीब चोरी की वारदातें। नामालूम चोर रात की तारीख में तीन घरों का सफाया कर गया। मोहम्मद अहसन, आलम शेर और महमूद हफीज के घर से तकरीबन 50,000 का घरेलू सामान चोरी कर फरार हो गए। कप्तान के ने पाकिस्तान में महकमा वापडा की रवायतें पुरानी कांदलियावाला के कस्बे कंजवानी की शारजा कॉलोनी में एक माह से टूटा हुआ बिजली का पुल वापडा की नाअहली और गफलत का मुंह बोलता सबूत है, जो किसी वक्त भी किसी बड़े हादसे का बाइस बन सकता है। शहरियों का कहना है कि मुतअद्दिद बार कंप्लेन करने के बावजूद मसला हल नहीं हो सका। शहरियों का मजीद कहना है कि अगर कोई हादसा पेश आया तो इसका जिम्मेदार महकमा वापडा होगा। शहरियों ने एहतजाज करते हुए कप्तान से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। मेरा नाम हमन काशिफ है, मैं कजवानी 455 शारजा कलोनी का रहसी हाँ जी। अः जी खंभा वापडा ने इतने लाया से खंभा एक महीने तो इनकी हालत हो गई है जी। ये वापडा वाले को गए हैं, दफ्तर भी गए हैं जी, कंप्लेन भी की, साड़ी कोई सुनवाई नहीं हो रही। लिहाजा कप्तान को असं ये आखना चाहते हैं कि यह तब्दीली लैके आए इमरान खान साहब, ठीक है जी। साडा इतने नुकसान हो सकता, साडा माल डंगर इतने थले मतलब तारा के थले है, तो खंभा अगर गिर गया तो नुकसान हो सकता है। इनका जिम्मेदार वापडा होगा, सानू जिहड़ा है ये खंभा ठीक उन्होंने करना चाहिए है, तो साड़ी सुनवाई होनी चाहिए। थाना लालिया के SHO मोहम्मद अरशद की कार्रवाई, कैसर शाह डकैत गैंग गिरफ्तार। कैसर शाह के साथियों में मोहम्मद यार, मोहसिन अब्बास, जाफर अली चन्योट शामिल। मुलजिमान से एक अदद रिपीटर, दो अदद 30 बोर पिस्टल, 3 मोटरसाइकिल और 11 लाख रुपए बरामद कर लिया। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।